भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में आवारा घूमने वाले मवेशियों से किसी को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए भिलाई निगम की टीम सभी जोन क्षेत्रों में तिथिवार आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चला रही है। आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए आयुक्त रोहित व्यास ने निर्देश दिए हैं। रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने टीम शहर में विभिन्न संसाधनों के साथ घूम घूम कर आवारा मवेशी को पकड़ रही है। काउ केचर वाहन में मवेशियों को डालकर सीधे गौठान में छोड़ा जा रहा है। भिलाई निगम की टीम मुख्य रूप से शहर के सभी मार्केट तथा अंदरूनी क्षेत्र की सड़कों के किनारे घूमने वाले मवेशियों को टारगेट करते हुए पावर हाउस मार्केट, सर्विस रोड तथा जी रोड के किनारे चलने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ रही है। आवारा पशुओं के कारण वाहन चालकों एवं मार्केट में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को समस्या से निजात दिलाने निगम की टीम पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत भिलाई निगम क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। मवेशियों को पकड़ने के दौरान उन्हें चोट न लगे, इसलिए निगम की टीम दो काउ कैचर एवं रस्सी व आवश्यक संसाधन के साथ फील्ड में पहुंच रही है। आवारा मवेशियों को पकड़ने चलाए जा रहे अभियान की जानकारी नगर निगम के अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, रोका छेका अभियान के तहत में नगर पालिका निगम भिलाई के जितने मार्केट क्षेत्र हैं, जोन क्षेत्र हैं, बाजार क्षेत्र हैं और एनएच के एरिया है, सर्विस रोड है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ से आवारा पशुओं को पकड़ कर गौठान भेजने का कार्रवाई जो है नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसी तारतम्य माहभर में जो है 111 पशुओं को नगर पालिका निगम भिलाई ने सार्वजनिक स्थानों से विभिन्न स्थानों से पकड़ा हुआ है। जो आवारा पशु थे उनको गौठान में ले जाकर छोड़ा गया है और पशु मालिकों के चेतावनी भी दी गई है कि जो आवारा पशु हैं उनको खुले में न छोड़ें। यदि वो आपके पशु हैं तो उनको घर के भीतर ही उनकी व्यवस्था करके बांध के रखें ताकि रोका छेका अभियान के तहत जो आवारा पशु से होने वाली जो एक्सीडेंट है, दुर्घटनाएँ हैं, चाहे वो आवारा पशुओं के लिए हो, चाहे मानव के लिए हो, चाहे और किसी के लिए हो, ये सभी के लिए घातक होते हैं। इसको देखते हुए आवारा पशुओं को घर के भीतर में ही अपनी व्यवस्था करके, जहाँ भी अपने घर के भीतर जो गठान होंगे या फिर पशुओं को रखने की जगह होंगे उसकी व्यवस्था बना करके उनको रखने के लिए भी समझाइश दी गई। नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने पशुपालकों से अपील की है कि खुले में आवारा मवेशियों को न छोड़ें और अभियान में सहयोग प्रदान करें। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद शहर के प्रमुख मार्गों अंदरूनी क्षेत्रों में आवारा मवेशियों का जमावड़ा हर वक्त लगा रहता है। मवेशी मालिकों पर सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट।